खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। विक्रमादित्य के खिलाफ केस दर्ज करने को कोर्ट में अर्जी। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह द्वारा ट्विटर पर 1931 में कश्मीर में मारे गए लोगों के बारे में टिप्पणी करना कुछ लोगों को नगवार गुजरा। किश्तवाड़ा म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य सज्जाद अहमद ने विक्रमादित्य के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किश्तवाड़ कोर्ट में अर्जी दी। किश्तवाड़ में दी गई अर्जी में सज्जाद ने कहा कि शहीद के बारे में उन्होंने गलत टिप्पणी की। इस पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुधीर खजुरिया ने थाना प्रभारी किश्तवाड़ को आदेश दिया कि वह मामले की जांच एक सप्ताह में करे और आरोपी सही पाए जाने पर विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। जानकारी मिली है कि ट्वीट में विक्रमादित्य सिंह ने 13 जुलाई को शहीदी दिवस पर कुछ टिप्पणी की थी। उसमें उन्होंने 1931 में मारे गए लोगों को शहीद नहीं लुटेरा बताया था। ज्ञात रहे कि 1931 में मारे गए लोगों को कश्मीर में शहीद माना जाता है, वहां शहीदी दिवस मनाया जाता है, जबकि जम्मू में उसे अपराधी माना जाता है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।